उदयपुर के माधुरी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद महालक्ष्मी फूड्स पर दिल्ली से आई विशेष टीम ने कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की कार्रवाई करते हुए ट्रेड उस जगह को फैक्ट्री को सीज कर दिया। दरअसल महालक्ष्मी फूड्स पर आरोप है कि वह शहर के ही स्टार ब्रेड के नाम की ब्रांडिंग का इस्तेमाल कर नकली ब्रेड पैक कर बाजार में चला रहा था। इसी को लेकर 2016 में पहली बार महालक्ष्मी फूड्स के खिलाफ PIL लगाई गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें पाबंद किया था। लेकिन 2023 में एक बार फिर यह बात सामने आई कि उन्होंने स्टार ब्रेड के नाम का इस्तेमाल करके फिर से ब्रेड और टोस्ट और दूसरे अन्य प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर जब कोर्ट में एक बार फिर से मामला सामने आया तो कोर्ट ने आदेश किए, जिसकी पालना करते हुए आज विशेष दिल्ली से आई विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए माधुरी इंडस्ट्रियल एरिया में बनी महालक्ष्मी फूड्स को पूरी तरीके से सीज कर दिया है और वहां रखे 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान को भी टीम द्वारा सीज किया गया है। बताया जा रहा है कि वहां पर बड़ी मात्रा में ब्रेड बनाने के उपकरण और ब्रांडिंग स्टार ब्रेड के नाम की पैकेजिंग और दूसरे अन्य सामग्री वहां पर मौजूद मिली रेड के दौरान, जिनको सीज किया गया है। सर हमारे मोबाइल बेचा जा रहा था। सर पहले इन्होंने 2016 में केस फाइल किया था, ये पेटिशनर डेटे भी मेरे को लोकल कमिश्नर कोर्ट ने अपॉइंट किया। 2016 में लिटिगेशन हुई थी, उसमें यहाँ पे वो उदयपुर में हुआ था, वहाँ पे फैसला ये हुआ था कि इनको मना कर दिया था इनका प्रोडक्ट यूज़ करने से, नाम यूज़ करने से। उसके बाद ये हाईकोर्ट गए थे उसके ऑर्डर के अगेंस्ट, वहाँ पे भी इनकी जो अपील थी वो डिसमिस हो गई है। उसके बाद 2023 में दोबारा इनके पास इंफॉर्मेशन आई कि ये दोबारा से इनका नाम यूज़ करें, प्रोडक्ट यूज़ करें। तो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेरा नाम अंकुर शर्मा है, मेरे को अपॉइंट किया था लोकल कमिश्नर। हम यहाँ पे आ जाए हैं, हमने देखा यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट है, जैसे इसमें इनका नाम लोगो यूज़ हो रहा है, इनके लोगो से सिमिलर है। तो आज हम कोर्ट की डायरेक्शन है कि हमें जो भी इन्फ्लुएंस गुड्स हैं वो सीज करने के लिए। जी आपका नाम बताइए। जी मैम, क्या नाम है? स्टार फूड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उसकी लीगल एडवाइजर। हमें काफ़ी टाइम से शिकायत मिल रही थी कि महालक्ष्मी फूड प्रोडक्ट जो कि उदयपुर बेस्ड ही है, वो हमारे ब्रांड के आगे जोड़ के रॉयल वर्ल्ड स्टार ब्रांड की डुप्लीकेसी कर रहा है, जिसके साथ इनका काफ़ी लिटिगेशन भी चला है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चला है, हाईकोर्ट में भी चला है। और उसके बाद कुछ पैकेजिंग में इन्होंने चेंजेस करा, बट उतना चेंजेस नहीं हुआ जैसा कि ऑर्डर कोर्ट ने दिया था। उसके बाद हमने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया, सब कुछ बताते हुए कि हमारा प्रीवियस लिटिगेशन इनके साथ चल रहा है, वो बताते हुए सब कुछ कोर्ट को दिखाते हुए फिर हमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जिसमें कोर्ट ने हमें 2 ऑर्डर दिए हैं। एक ऑर्डर दिया है कि आज की डेट से इस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते, साथ ही साथ स्टार के आगे पीछे भी जोड़ के कुछ और नहीं बेच सकते।
और साथ ही लोकल कमिश्नर को नियुक्त किया है, सर अंशुल शर्मा जी है जो लोकल कमिश्नर है, अंकुर शर्मा जी है जो दिल्ली कोर्ट से नियुक्त हुए हैं। इनकी देखरेख में सारा प्रोडक्ट सीज होगा और सारा प्रोडक्ट डाइस और इनकी पैकेजिंग मटेरियल लेजर अकाउंट सब कुछ सीज करके प्लेंटिव को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जो कि कोर्ट के अगले आदेश पे अगर कोर्ट बोलती है तो हमें दिल्ली कोर्ट में लेके जाएंगे।